देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है दिल को दिल से जोड़ने वाली पहल के तहत चाइना के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी का शी जिनपिंग ने पूरे पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है कांग्रेस ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए आसाराम बापू के साथ वीडियो शेयर कर कहा कि मोदी और फर्जी बाबाओं की दोस्ती बनी रहे। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है चीनी मीडिया ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के चीन दौरे से दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत होगी। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है कांग्रेस ने पीएम मोदी के चीन दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या पीएम मोदी भारत के हितों की रक्षा करेंगे और डोकलाम पर चीन से सीधे सवाल पूछेंगे। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात, लेकिन राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव का मामला अभी भी अटका हुआ है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले 12 सीटें कम मिल सकती हैं। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने जन मन की बात की है लेकिन बीजेपी आरएसएस का मैनिफेस्टो लाएगी। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है आप नेता अलका लांबा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए कहा कि बे औलाद आदमी निकम्मा और नाकारा होता है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी संपत्ति मामले में जब्त की लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की फैक्ट्री की जमीन। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की प्रगति को लेकर कहा कि किसी के भरोसे नहीं अपने बूते आगे बढ़ रहा है बिहार। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है एबीपी आनंदा सी वोटर सर्वे के अनुसार पंचायत चुनाव में बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भाजपा को तगड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी बंगाल में दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर सकती है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टरों को गाँव में पोस्टिंग के बाद मिले पहला प्रमोशन। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है ओडिशा के कानून मंत्री प्रताप जैना ने कहा कि 40 साल पहले पूरी जगन्नाथ मंदिर में 149 किलो सोने के आभूषण और 258 किलोग्राम चांदी के बर्तन थे। हालांकि उन्होंने वर्तमान समय में मौजूदा सोना और चांदी के बारे में जानकारी नहीं दी। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे ई से की मुलाकात। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है गूगल ने डूडल के जरिए हिंदी भाषा के प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा को दिया श्रद्धांजलि। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है आईपीएल 2018 में आज दिल्ली डेयर डेविल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है बिग बी अमिताभ बच्चन ने रणवीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि रणवीर गॉड ऑफ गिफ्ट है और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि मेगन मार्कल की शाही शादी में ब्राइड्स मेड यानी कि दुल्हन की सहेली नहीं बनेगी। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर ट्रॉल करने वाले लोगों के बारे में कहा कि जो हमारा विरोध करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स 1500 से भी ज्यादा स्क्रीन के साथ दिल्ली NCR में हुई प्रदर्शित। और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।